तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो इसे बनाने के लिए हमने 500 ml मिल्क लिया है, इसे बॉईल होने दें। जब बॉईल हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। शुगर के डिजोल्व होने के बाद यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कस्टर्ड वनीला फ्लेवर। इसे 4 टेबल स्पून मिल्क ऐड करें, इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मिल्क में ऐड करें। तो मिल्क में धीरे धीरे ऐड करें, इसे कंटिन्यू चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे की ओर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसे अच्छी तरीके से चलाते रहें, कंटिन्यूस इसे चलाते रहें। अब देखेंगे फिर धीरे धीरे ये गाढ़ी हो जाएगी, तो इसे हम नीचे रख लेंगे। इसे अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे, बीच बीच में इसे चला लेंगे। फिर इसे किसी भी बाउल में निकाल के फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ मैंने सब्जा के बीज 1 टीस्पून लिए हैं, 3 टेबल स्पून वाटर ऐड किया है, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप सागो साबुदाना, इसे अच्छी तरीके से वॉश करें और 7 से 8 मिनट के लिए पानी में डाल के छोड़ दें। अब मैंने कढ़ाई में पानी लिया है, जब पानी बॉईल होने लगे तो इस साबुदाना को इसमें डाल देंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरीके से कुक ना हो जाए, ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसे किसी भी छन्ने में निकाल के छान लेंगे, ऊपर से हम ठंडे पानी डाल देंगे जिससे ये चिपचिपाहट ना बने या चिपचिपा ना बने। अब मैंगो को हमने लिया है, इसे अच्छे से छील लिया है और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो ये हमारी सारी इंग्रेडिएंट रेडी हैं। तो फ्रीज से हम कस्टर्ड को निकालेंगे, इसमें सब्जा के बीज डालेंगे, उसके बाद कुक्ड सागो डालेंगे, मैंगो डालेंगे, आलमंड डालेंगे 1 टेबल स्पून, पिस्ता 1 टेबल स्पून, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए ना, हमारा जो सागो डेजर्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।